इनका डॉक्टर सुनील कुमार को, इसके बाद श्री राज्य ललित कला अकादमी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूरे जनपदवासियों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर सुनील जी, आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य ललित कला अकादमी का अध्यक्ष मनोनीत किया है। आपकी कंधों पर सरकार ने कला जगत को ऊंचाई पर ले जाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है और सांस्कृतिक मंत्रालय कला साहित्य को भी किस तरह आप ऊंचाई पर ले जाएंगे? अभी हमको जो जिम्मेदारी राज्य सरकार की तरफ से मिली है, मैं तो अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से, अपने मित्रों के स्नेह से बचपन से ही कला जगत में काम करते आया हूं और आज एक कला जगत के विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा भी रहा हूं, विभागाध्यक्ष हूं वहां पे, तो मेरे कुछ बड़े विजन भी हैं उसको लेकर के। जब मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ तो हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है और एक उन्हें कला जगत में कैसे विस्तार लेना है। मैं इसी बापुंड कॉलेज में यही कोपागंज से पढ़ा और किस प्रकार से मैं लाइन खींचता था और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता था, वही मैं प्रोत्साहन अपने पूरे प्रदेश के उन कलाकारों को ललित कला माध्यम के, ललित कला अकादमी के माध्यम से देना चाहता हूँ कि वो कलाकार आगे बढ़े और केवल उत्तर प्रदेश के वो कलाकार न रह करके पूरे भारत और पूरे विश्व में अपना नाम करें। सुनील जी, आपने अभी स्केच की बात किया है, आपने तो प्रभु श्री राम का स्केच बना करके एक अमृत को प्राप्त कर लिया, युगो युगो तक नाम रहेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सब प्रभु राम की कृपा है। प्रभु राम की छवि बनाना किसी कलाकार के बस की बात नहीं है, वो स्वयं अपने आप की निर्मिति करते हैं, वो केवल किसी से माध्यम जरूर बना लेते हैं और उनकी कृपा थी मेरे ऊपर जो उन्होंने मुझे माध्यम बनाया। प्रभु की रचना तो स्वयं ही करते हैं, मैं केवल माध्यम था उसके लिए। सुनील जी, राज्य ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार आपका गृह जनपद में आगमन हुआ है और गृह क्षेत्र में आगमन हुआ है, अपनों के हाथों सम्मान पाकर कैसा लग रहा है? बस ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मेरे माता पिता, मेरे बंधुओं का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। मैं बचपन से इसी स्नेह में पला बढ़ा हूँ, आज वो स्नेह भर भर के मुझे प्राप्त हो रहा है और मुझे ये स्नेह, ये आशीर्वाद मेरे जिम्मेदारियों के प्रति और सजग कर रहा है। आपके बगल में गुरु जी गुरुजन पंचासीन है। जी जी, गुरुजनों, मैं तो गुरुजनों गुरुजनों से ही प्रेरणा लेकर के अभी तक मैं चल रहा हूँ, आगे भी चलूंगा। मैं विज्ञान वर्ग का शिक्षक था, हमारे अरे विद्यार्थी था, हमारे शिक्षक लोग बैठे हैं और विज्ञान वर्ग से मैं सीधे फाइन आर्ट में प्रवेश किया और वो सारी शिक्षाएं कला में कैसे विज्ञान है उस चीज को भी मैं ढूंढता हूँ, रंगों में क्या विज्ञान है उसको भी ढूंढता हूँ। नगर के या इस जनपद के युवा कला को जो बनाते हैं, सीख रहे हैं अभी, जी जो प्रवेशी छात्र है, वो आपकी ओर आशा भरी नजरों से देखते हैं, उनके लिए आपका क्या योजना? निश्चित रूप से मैं ललित कला अकादमी की तरफ से एक यहाँ पर क्षेत्रीय केंद्र भी खोलने का विचार किया है, ये मेरे विजन में है, मेरे प्राथमिकता में है और यहाँ के कलाकारों को मैं उत्तर प्रदेश के उस मंच पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ से वो अपनी कला को और ऊंचाई दे सके।